3 2022 को थाना रुपैडिया के ग्राम भराहा पारा के पास में एक अरहर के खेत में सरयू नहर के किनारे एक महिला का शव मिला था। क्योंकि उस समय शव अज्ञात था, लेकिन बाद में उसकी पहचान हुई और वो महिला थाना मूर्तिया के ग्राम कठौतिया की रहने वाली थी। महिला की पहचान के पश्चात उसके बेटे द्वारा थाना रुपैडिया पर मुकदमा अपराध संख्या 100 धारा 302 201 34 IPC पंजीकृत कराया गया था और जिसमें उसने ये नामजद FIR पंजीकृत कराई थी। राम कुमार पुत्र राम प्रताप व विनोद कुमार पुत्र सीताराम, एक अभियुक्त भरापारा का ही रहने वाला था, एक अभियुक्त थाना निजासन खीरी का रहने वाला था। इसमें राम कुमार का मृतका से काफ़ी दिनों से आना जाना उसके घर पे था। मृतका उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, तो इसने अपने मित्र की सहायता से फ़ोन करके 29/3/2022 को फोन लाश मिली थी, लेकिन जो घटना हुई थी वो 23/3/2022 को फ़ोन करके इन्होंने मीरपुरवा में बुलाया। तो मृतका अपने एक 11 वर्षीय पुत्र के साथ गई थी, वहाँ से ये लोग मोटरसाइकिल पर बैठा करके उसको भरापारा के पास में ले गए। उसके बेटे को इन्होंने समोसा खिलाया और माँ को किसी बहाने से ले जा करके पहले अरहर के खेत में उसकी हत्या कर दी। उसके पश्चात, क्योंकि ये लड़का इस बात को कहीं बता न दे, साक्ष्य उजागर न कर दे, तो उसे कुछ दूर ले जा कर के अंटहावा जंगल में उसकी भी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। मृतका और मृतका के बेटे दोनों के सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद हम लोगों ने सर्विलांस टीम जो कि पुलिस अधीक्षक होते के निर्देश पे घटना का अनावरण करने के लिए लगाई गई थी, थाना रुपैडिया और सर्विलांस टीम, और हम सभी लोगों ने प्रयास करके इसमें दोनों नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और घटना में प्रयुक्त आला कतल, मृतका की चप्पल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार शुदा दोनों व्यक्तियों को नियमानुसार रिमांड के लिए प्रेषित किया जा रहा है और इसमें साक्ष्य एकत्रीकरण की कार्रवाई है। शीघ्र ही इनको